किसानों के भारत बंद के समर्थन में फिरायलाल चौक, जो कि राजधानी रांची का अल्बर्ट टेक्का चौक के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सीपीआई के लोग जो है अब पहुँच गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता और अजय कुमार जैसे जो लोग हैं और कई सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं किसानों के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं। और ठीक पीछे जो है आप देख सकते हैं कि जेएमएम का झंडा लेकर के झामुमो के लोग भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और लगातार जो 3 नए कृषि कानून हैं उसके विरोध में जो है यह आंदोलन चल रहा है किसानों का पिछले 10 महीने से। और आज चूंकि भारत बंद कराया गया है, किसानों ने भारत बंद बुलाया है, उसके बंद के समर्थन देने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। और आप देखिए कि तस्वीरों में जो है यहाँ पर किस तरीके से लगातार आपको द फॉलोअप के जरिए, चूँकि भारत बंद का समर्थन जो है राजनीतिक पार्टियों ने पहले ही से कर रखा है, और आप देखिए कि लगातार जो है यह अल्बर्ट टेक्का चौक जो कि काफ़ी इसका जो आवागमन है वो काफ़ी रफ्तार रहता है इस सड़क पे आम दिनों, लेकिन आज चूँकि भारत बंद है तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि किस तरीके से जो है लोग जो है बंद हैं। देखिए क्या आज तो बंद है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार तो सुन नहीं रही है। नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा, बहरी मतलब समर्थन में है और लगातार 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग हम लोग कर रहे हैं। छोड़ करके सब उनके समर्थन में आज खड़ा है और इसलिए नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा, अमित शाह को पीछे हटना पड़ेगा। मेहता जी, सरकार कहाँ पीछे हट रही है? 10 महीना से तो वो आप लोग बैठा हुआ, किसान लोग आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो पा रहा है? उसका असर होगा, उसको गद्दी में नहीं रहना है। किसान संगठन ने फैसला किया है, हमको 224 तक रहना पड़ेगा तो बैठेंगे और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार देंगे, भारतीय जनता पार्टी को उतार देंगे, ये फैसला है। कब तक क्षेत्र का काम करेगा? हम लोग तो आंदोलन कर रहे, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो नहीं बात करता है हम लोग है आज वो करे, आगे चल के इससे और बड़ा आंदोलन होगा। आज तो भारत बंद है, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं केंद्र में, उनके तरफ से एक मैसेज अब स्प्रेड किया जा रहा है कि अब इस आंदोलन का जो है राजनीतिकरण हो गया है, किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आंदोलन कर किसान आंदोलन। मुजफ्फरनगर में पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, केवल मुजफ्फरनगर में 7-8 लाख लोग जुटे, एक भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहाँ भाषण नहीं दिया, न मंच पर गया, केवल किसान लोग थे वहाँ पर। आपको लगता है कि भारत बंद से सरकार सुनेगी? देखे, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने, जनता के सामने कोई सरकार टिकी नहीं है, जनता की आवाज है, जनता की आवाज के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि लेफ्ट के नेताओं का यह कहना है कि जनता की जो आवाज है उसके सामने जो है सरकार को झुकना ही होगा। और आप देखिए कि लगातार किस तरीके से जो अल्बर्ट टेक्का जो चौक है जिसको आप फिरायलाल चौक के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लगातार जो है अलग अलग राजनीतिक दल के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि झामुमो का जो है झंडा लेकर के कुछ लोग जो है पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। धीरे धीरे अलग अलग इन लोगों का समय तय है और ऐसे में आज जो तकरीबन 2 बजे तक का जो कार्यक्रम है, जबकि हालांकि किसानों ने 4 बजे तक का समय तय किया है कि भारत बंद का जो समय है 4:30 बजे तक उन लोगों ने तय किया है, और इसी दौरान तक जो है 4 बजे तक का जो समय है सीमा है, इसी दौरान तक अलग अलग पार्टियों के जो नेता और कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो आज सड़कों पर उतरेंगे। इसमें जो झारखंड में जो सत्ताधारी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वामपंथी पार्टियों का जो है किसानों को समर्थन मिला है। और आप तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार किसानों के समर्थन में लोग यहां पर पहुंचे हैं, और भी जैसे ही लोग धीरे धीरे करके पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाकपा माले के राज्य सचिव हैं जनार्दन प्रसाद जी। सर, सरकार सुन नहीं रही है, पिछले तीन चार महीने पहले भी आप लोग रेल चक्का जाम किए, सड़कों पे उतरे, कुछ हुआ नहीं, आज भारत बंद है,
सरकार तो बोल रही है कि अब राजनीतिकरण हो गया है, कुछ फायदा नहीं है, किसान लोग तो घर में अपना काम कर रहा है भाई। देखिए सरकार तो बोलेगी ही, लेकिन ये 10 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसका दबाव ही है कि आज तक उस किसान कानून को सरकार लागू करने की दिशा में नहीं बढ़ी। और ये आंदोलन जिस तरह से चारों ओर बढ़ रहा है, आज जिस तरह से पूरे देश में भारत बंद में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और इस दबाव से इस सरकार के लिए और भी किरकिरी होने जा रही है। सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने की जो भी कोशिश करे, देश की जनता इस आंदोलन के साथ और भी जुड़ते जा रही है। और ये आंदोलन आज के डेट में सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। नौजवान लोग भी रोजगार के सवाल पर इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। जो देश बेचने का पूरा काम कर रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ में मजदूर लोग, आम जनता भी सड़कों पर प्रतिवाद में उतर रहे हैं। और सिर्फ 3 कृषि कानूनों का मामला नहीं रहा बल्कि देश में जो भी आज सवाल है, महंगाई का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, देश की परिसंपत्तियों को बेचने का सवाल हो, या कॉरपोरेट कंपनियों का जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, जल जंगल जमीन खनिज पर जिस तरह से कब्जा दिलाने की कोशिश है, इन सारे सवालों पर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर उतर रहे हैं और पूरे लोग इस आंदोलन के साथ। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है भाकपा माले के राज सचिव हैं और यह बता रहे हैं कि सिर्फ अब मसला जो है 3 नए कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार आंदोलन करते रहा है, सवाल करते रहा है। सर ये जो एक चर्चा का जो विषय बनाया जा रहा है कि अब जो है किसान, क्योंकि जो सरकार के तरफ से जो ये बातें आ रही है कि कृषि उत्पादन में तो कोई कमी हुई नहीं, जो दावा विपक्ष कर रहा है कि किसान बैठा हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उत्पादन तो हो रहा है, किसान कहाँ बैठा हुआ, किसान तो खेत में है। नहीं, यही तो किसानों की खूबी है कि किसान आंदोलन भी कर रहे हैं और किसान फसल भी उगा रहे हैं। हर काम को समन्वित करते हुए किसान इस आंदोलन को पूरे क्रमवार ढंग से संचालित करने में लगे हुए हैं। आप दिल्ली के सड़कों पर भी देखें कि बारी बारी से गांव के लोग एक तरह से वो वहां पर बारी बांध लिए हैं कि आज 10 दिन वो टीम जाएगा, अगला 10 दिन वो टीम जाएगा, पूरा एक तरह से इस तरह का सिलसिला बनाया गया है। और इस आंदोलन को और भी मजबूती देने के लिए आप देखेंगे कि पूरे देश में अलग अलग इलाकों में लाखों की संख्या में अलग अलग बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। इसलिए ये आंदोलन, अब मसला ये नहीं है कि किसान लोग काम छोड़ कर के आंदोलन में है बल्कि किसान काम करते हुए इस सवाल पर जो आंदोलन है उसको पूरी तौर पर मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं और द फॉलोअप के जरिए ऐसी तस्वीरें जो भारत बंद से जुड़ी हुई है, जो लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के लोग और किसान लगातार जो सड़कों पर उतर रहे हैं, वो हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया।